हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे टोटल लॉस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये है हमारे पास होवरबोर्ड जो कि तोसी गैलरी जो शॉप है दिल्ली के अंदर, वहाँ से हमने इसको खरीदा था। और देख सकते हैं इसकी, ये है तोसी गैलरी के नाम पे। तो जरा जूम करके इन्हें दिखा दीजिए दोस्तों को, तो जहाँ से हमने ये परचेज किया था तोसी गैलरी के नाम पे। और देख सकते हैं दोस्तों, इसका लुक बहुत ही जबरदस्त है। इसकी वीडियो मैं काफी टाइम से बना नहीं पाया, तो चलिए दोस्तों आज इसकी हम वीडियो बनाने वाले हैं कम्प्लीटली। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं बहुत ही जबरदस्त, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं दोस्तों। एक लाइट इसकी खराब हो चुकी है, क्योंकि ये एक बार क्या बार रोड पे चल रहा था तो गाड़ी के नीचे चला गया था, जिसकी वजह से एक लाइट बंद हो चुकी है। जब उसे रिपेयर करेंगे तो उसके बारे में भी कम्प्लीट वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे ऑन करने का और इसे ऑपरेट करने का पूरा प्रोसीजर आपको बता देता हूं, तो चलिए आ जाइए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पीछे की तरफ दो लाइटें दी गई हैं, और यहाँ पे हमारे ये रहे, ये हमारा ऑन का बटन है, और यहाँ पे चार्जिंग का, हमारा यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट लगता है, चार्जर लगता है, यहाँ से चार्ज होता है, एक डेढ़ घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। और दोस्तों, ये वाला हमारा ऑन करने का है, तो इसे मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, तो आप इसकी लुक देखिएगा थोड़ा लाइट। अभी रात का मौसम नहीं है, मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्या पता आपको लाइट अच्छे से ना दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन एलईडी ऑन हो चुकी है, देख सकते हैं। ये हमारा, हमें पता चल चुका है कि हमारा होवरबोर्ड ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक बार हम चला के देख लेते हैं, चलने में कैसा है, कंफर्टेबल। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके तो जरूर जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हम आपके लिए आगे लाते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पे हमें खड़े होने के लिए राइट साइड में पैर रखना है, और जैसे ये बीप करते हैं तो अभी जो इसका है अनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से रेड इंडिकेटर ऑन हो रहा है। तो अभी हम इसे ये लेफ्ट वाला पैर रखेंगे, तो ये ऑन हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से लाइट ऑन हो रही है, जरा दिखा दीजिए। तो ये वाली जो है डेकोरेशन लाइट इतनी बढ़िया लगती है चलने में, और ये वाली रात के लिए यूज होती है। चलिए इसे एक बार हम चला के देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों, इसे चलाने के लिए अगर आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, आगे की तरफ वजन देंगे, तो ये आगे चलेगा, और अगर हम इस पे पीछे वजन करेंगे दोनों पैर से, तो ये पीछे चलेगा। तो चलिए एक राउंड लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम थोड़ा धीरे चलाएंगे, स्लो। चलाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्श है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया चलता है। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार चला करके इसकी कैसी पोजीशन है चलने में। तो आइए फटाक से। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आज पे देख सकते हैं, थोड़ा पीछे फोन कर दो, एक बार दिखा दो रास्ता कैसा है। तो यहाँ पे हम एक बार इसे चला करके दिखाएंगे, तो आप पीछे चले जाइए थोड़ा, ताकि मैं इसे एक अच्छा सा राउंड लगा सकूं। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कुछ अच्छा चल पाएगा, तो यहाँ पे काफी स्पीड हम बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी काफी टूटा फूटा है। तो चलिए जैसा भी है यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। गिरने का बहुत ही बड़ा खतरनाक सिस्टम है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये इसका हमने लगाया राउंड यहाँ से। इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए काफी आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इसे चला नहीं सकते, ना इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो होवरबोर्ड है, ये जो हमारे पैर हैं, पैर के बैलेंस के हिसाब से उसकी अप डाउन, जैसे मैं आगे पैर करता हूँ, ये राइट साइड में अगर मैं दबाता हूँ तो ऐसे घूम जाता है, तो ये इसी हिसाब से दोस्तों ये चलता है। इसको आपको चलाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, प्रैक्टिस करनी आपको बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक राउंड हम जरा नीचे लगाते हैं, कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार इन ईंटों के और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना इसके जो टायर है वो काफी छोटे टायर है, जो कि खड्डे वड्डों में नहीं चल सकता, और वहां पे काफी खराब एरिया में ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि इसके जो टायर की लेंथ है, जरा नीचे करके दिखा दीजिए, वो काफी छोटे हैं। और जो आजकल नए होवरबोर्ड आते हैं, बड़े वाले होवरबोर्ड 10 इंची 18 इंची काफी टाइप के दोस्तों होवरबोर्ड आते हैं, वो इन पड्डों में चल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर टायर और ट्यूब होती है, इसके अंदर टायर ट्यूब नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा इसे कंट्रोल करना और अनबैलेंस होना इसमें नॉर्मली होता है।
इंची होवरबोर्ड ना लें, हो सके तो आप होवरबोर्ड 10 इंची लें या फिर उससे हैवी होवरबोर्ड, काफी कंपनी के अलग अलग आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।